बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। खटाक, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्य उंगली तीनों 90 डिग्री पे थी। अंगूठा रिप्रेजेंट करता था बल को, तर्जनी उंगली रिप्रेजेंट करती थी क्षेत्र को और मध्यम उंगली करती थी विद्युत धारा को। इस बार एक चीज बदली है, बस मध्यम उंगली विद्युत धारा को ही रिप्रेजेंट करेगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बात कर रहे हैं ना, ये बाएं हाथ था, और चुंबक के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी तर्जनी उंगली। बिल्कुल सेम टू सेम, दो चीज बिल्कुल सेम ही है। अब की बार अंगूठे जो दाएं हाथ का अंगूठा है रिप्रेजेंट कर रहा है चालक की दिशा को, समझे? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या हुआ कि यदि हम तीन उंगलियों को इस प्रकार फैला दें कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तो जो अंगूठा है वो चालक की दिशा तर्जनी उंगली विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबक क्षेत्र, और जो मध्यमा उंगली है ये रिप्रेजेंट करेगी विद्युत धारा को। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों नियम याद हो गए? ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।